नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट और फाइनल टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मीडियन ऑफ अ ग्रुप्ड डेटा। ये जैसे ही खत्म होगा हमारा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। बट आज नहीं खत्म होगा, कल होगा, बिकॉज मुझे इसके रिलेटेड दो तीन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, वो मैं कल कराऊंगा, कल खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ये हमारे पास, के स्कूल में एक एग्जाम ली गई है, तो मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स 20 मार्क्स 6 लोगों को, 29 मार्क्स 28 स्टूडेंट को, 28 मार्क्स 24 को, 33 मार्क्स 15 को, 42 मार्क्स 2 को, 38 मार्क्स 4 को, 43 मार्क्स 1 को, 25 मार्क्स 20 स्टूडेंट्स को। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे मार्क्स, ठीक है। अब इन सब मार्क्स को मैं रीअरेंज कर दे रहा हूं। अब आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले देखो मीडियन फाइंड करने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो देखो, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था अनग्रुप्ड डेटा होता है तो उसका मीडियन फाइंड करने का सबसे पहला तरीका है स्टेप वन, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर, बराबर। और स्टेप टू, कि इफ एन इज इवन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, तब मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू एन बाय टूथ टर्म प्लस एन बाय टू प्लस वन टर्म होल डिवाइड बाय टू। और अगर मान लो इफ एन इज ऑड, तब मीडियन का फॉर्मूला होता है एन प्लस वन बाय टूथ टर्म। ये सिंपल सा तरीका। अब ये भी ऐसे देखना चाहे तो अनग्रुप डेटा ही है, क्योंकि देखो अब 6 स्टूडेंट को 20 मार्क्स है, मतलब 20 प्लस 20 प्लस 20 20 20 20 ऐसे लिखो, तो उनको क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया, ठीक है। फिर रीअरेंज किया, 20 स्टूडेंट 6 मार्क्स, 25 20 28 24 29 28 33 38 42 43 हो गए। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 100, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब कैसे होता है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब यहां पे एक चीज ऐड करना हम भूल गए, हाँ जी। तो सबसे पहले यहां पे हम मार्क्स लिखेंगे और यहां पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ये चीज नहीं है सीएफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आप देखोगे आपके पास टेक्स्ट बुक निकाल के रखना बेटा, पेज नंबर 277 पे है शायद ये टॉपिक, ठीक है। अब देखो क्लास क्या है आपके पास, 20 25 28 29 20 25 28 29 33 38 42 43 33 38 42 43। फ्रीक्वेंसी देख लो, 6 20 24 28, 6 20 24 28, 15 4 2 1, टोटल तो 100। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा पता है? अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब सबको ऐड करते जाना। अब जैसे मान लो आप 100 बाय 2 करोगे, आपको पता है कि भाई ये हमारा इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए फॉर्मूला में 100 बाय 2 मतलब 50th टर्म, तो बताओ इसमें से 50th टर्म कौन सा होगा, 50वां टर्म कौन सा होगा, वो तो नहीं पता है ना। इसके लिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं। जैसे देखो 6 6 + 20 कितना हो जाएगा, 26 26 + 24 कितना हो जाएगा, 50 50 + 28 कितना हो जाएगा, 78 78 + 15 कितना हो जाएगा, 93 93 + 4 97 97 + 2 99 99 + 1 100। अभी हो गया, समझ में आ गया बेटा, समझ में आया इतना, ओके। सो अब हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूला डाल सकते हैं। देखो हमारा एन 100 और ये 100 वेरीफाई हो गया। अब हम मीडियन का फॉर्मूला डालेंगे, मीडियन का फॉर्मूला 100 बाय 2 प्लस 100 बाय 2 प्लस 1 टर्म होल डिवाइड बाय 2। 100 बाय 2 मतलब कितना होगा, 50th प्लस 51st टर्म डिवाइड बाय 2। अब बताओ इसमें 50th टर्म कौन सा होगा। देखो 6 स्टूडेंट्स है, अगर 6 स्टूडेंट का कंटिन्यूस 20 मार्क्स है, 6 से 26 जो भी स्टूडेंट होंगे उनको सबको 25 मार्क्स, 26 से 50 जितने भी होंगे उनको 28 मार्क्स, तो हमें 50th टर्म चाहिए, तो 50th टर्म क्या आएगा, 28 आएगा,
51st कहाँ पे आएगा? तो 50 से 70, 50 के बाद कौन सा आएगा? 51st से लेके 78 सारे 29 मार्क्स, तो 51st वाला बंदा कहाँ पे आएगा? उसको 29 मार्क्स, 29 होल डिवाइड बाय 2, तो इसको आप ऐड करोगे तो आपका मीडियन क्या निकलेगा? 28.5, समझे बेटा? 50 स्टूडेंट्स तक जितने भी होंगे उनको 28 मार्क्स होंगे, 50 के बाद वाला 51st से 78 सबको 29 मार्क्स, तो हमको 51st चाहिए था वो मिल गया। ये है नॉर्मल मेथड, ठीक है? अब इतना आपको बेसिक थोड़ा क्लियर हो गया, तो प्लीज फटाफट से इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे एक्चुअल मेथड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब देख लो, ये हमारा हो तो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पूरा अरेंज किया उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करके और वो करा था, ठीक। या हियर कम्स द मेन एग्जांपल, मेन एग्जांपल यहाँ पे, उससे पहले हम एक चीज सीखेंगे, वो है मोर देन और लेस। अब मान लो ये क्लास है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इन सबको ऐड करोगे तो 53 स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है? डेटा क्लियर हो गया, मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है? पेज नंबर 279 पे ये क्वेश्चन सब लोग खोल के देखिएगा, सब ये टेबल की तरफ देखिएगा। अब ये जो टेबल मैं बनाऊंगा वो टेबल होगा लेस देन का और ये टेबल होगा मोर देन का, ठीक है? लेस देन को मैं ब्लू से लिखता हूं। अब मैं आपको बोलूं लेस देन, सब लोग बैठे, कितने स्टूडेंट बैठे हैं क्लास में देखो, 53 स्टूडेंट बैठे हैं। मैं बोलूं लेस देन 10 वाले सब बैठ जाओ, सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तो कितने खड़े होंगे बेटा? 5। अब मैं बोलूं कि लेस देन 20 वाले खड़े हो जाओ, 10 टू 20 में कितने? 3 लोग खड़े हो जाएंगे, तो टोटल कितने खड़े रहे? 5 तो ऑलरेडी थे और 3 खड़े हो जाएंगे, मतलब अब टोटल मेरे सामने कितने? 8 खड़े होंगे। अब मैं बोलूं लेस देन 30 वाले खड़े हो जाओ, तो 20 टू 30 में कितने लोग हैं? 4 हैं, 8 ऑलरेडी खड़े थे उसमें 4 खड़े हो जाएंगे, 12। अब मैं बोलूं लेस देन 40 वाले खड़े हो जाओ, 12 ऑलरेडी थे उसमें 30 टू 40 ग्रुप वाले कितने? 3 एक्स्ट्रा खड़े हो जाएंगे, तो कितने खड़े हो जाएंगे? 15। अब मैं बोलूं कि लेस देन 50 वाले खड़े हो जाओ, तो कौन सा ग्रुप खड़ा हो जाएगा? 40 टू 50, 3 लोग और खड़े हो जाएंगे, 15 तो थे प्लस 3 कितना हो जाएंगे? 18। अब मैं बोलूं कि लेस देन 60 वाले खड़े हो जाओ, तो देखो 50 टू 60 में 4 वाला है तो 18 तो ऑलरेडी खड़े हैं, 4 और खड़े हो जाएंगे, 22। अब मैं बोलूं कि लेस देन 70 वाला खड़े हो जाओ पूरा ग्रुप, तो 60 टू 70 7 लोग और खड़े हो जाएंगे, 7 लोग और मतलब 22 प्लस 77 कितना हो जाएगा? 29। फिर लेस देन 80 वाला ग्रुप बोलो, तो 70 टू 80 वाले सब खड़े हो जाएंगे, 9 लोग खड़े हो जाएंगे, तो 29 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 38। अब मैं बोलूं कि लेस देन 90 वाले सब खड़े हो जाओ, तो लेस देन 90 वाला 80 टू 90 वाला 7 लोग खड़े हो जाएंगे, तो 38 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 45। और अब मैं लास्ट में बोलूं कि लेस देन 100 वाले खड़े हो जाओ, तो 45 और लास्ट ग्रुप में 8 है तो 53 स्टूडेंट सबके सब खड़े हो जाएंगे ना, क्योंकि सबको लेस देन 100 ही है। अब लोग सर किसी को 100 आ सकता है? आ सकता है, बट इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये अपर लिमिट है और अपर लिमिट मतलब ये वैल्यू किसी को नहीं आ सकती, मतलब कोई भी क्लास में 100 और 100 वाला नहीं है, तो इसलिए मैं लेस देन 100 लिखा, ठीक है? ये लेस देन, ओके। अब सेम टू सेम उल्टा मैं केस कर रहा हूं और वो है अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं कि मोर देन इक्वल टू 0 वाले खड़े हो जाओ, सबके सब खड़े रहे हो जाएंगे ना 53। अब मैं बोलूं कि मोर देन इक्वल टू 10 वाले खड़े रहो, उसमें क्या होगा? 0 टू 10 वाले बैठ जाएंगे। अब 0 टू 10 वाले बैठ जाएंगे मतलब 53 माइनस 5 बैठ जाएंगे तो कितने खड़े रहेंगे? 48। अब मैं बोलूं कि मोर देन इक्वल टू 20 वाले खड़े रहो, तो बेचारे 10 टू 20 वाले बैठ जाएंगे, 48 माइनस 3 आपके सामने बुक दी हुई है उसमें से देखते जाओ। अब मैं बोलूं कि मोर देन इक्वल टू 30 वाले खड़े रहो, तो क्या होगा? बेचारे जो 20 टू 30 वाले थे वो धीरे धीरे बैठते आएंगे। जस्ट इमेजिन करो आप लोग सब क्लास में, तो 20 टू 30 वाले ग्रुप में कितने हैं? 4 है, तो 45 माइनस 4 कितने हो जाएंगे? 41। 20 टू 30 वाले में 4 है, हाँ। अब मैं बोलूं कि मोर देन इक्वल टू 40 वाले सिर्फ खड़े रहो, तो बेचारे 30 टू 40 वाले बैठ जाएंगे, कितने बैठ जाएंगे? 3 बैठ जाएंगे, तो 41 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 38। अब मैं बोलूं कि मोर देन इक्वल टू 50 वाले खड़े रहेंगे, तो बेचारे 40 टू 50 वाले बैठ जाएंगे, तो 38 में से 3 और बैठ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 35।
अब मैं बोलूंगे मोर देन इक्वल टू, सिर्फ 60 वाले खड़े रहेंगे तो 50 टू 60 वाले बैठ जाएंगे, 50 टू 60 मतलब 4, 31, मोर देन इक्वल टू 70 वाले बैठ जाएंगे खड़े रहेंगे तो 31 में से 60 टू 70 वाले मतलब मेरे ख्याल से 7 बैठ जाएंगे, कितना हो जाएंगे 24। अब मैं बोलूंगे मोर देन इक्वल टू 80 वाले खड़े रहेंगे तो 24 में से 9 बैठ जाएंगे, कितना हो जाएगा 15। अब मैं बोलूं कि मोर देन इक्वल टू 90 वाले सिर्फ खड़े रहेंगे तो 15 में से लास्ट ग्रुप 7 मतलब निकल जाएगा। अब देखो 8, तो मोर देन इक्वल टू 90 मतलब जो लास्ट ग्रुप है वही खड़ा रहेगा, समझ में आया, बस यही है। अब मोर देन इक्वल टू 90 का ग्रुप है, अब देखो ये लेस देन का है और ये मोर देन। आप बोलोगे सर क्यों इतनी भेजामारी कर रहे हो, ये जरूरी है, ये भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें हमको क्लास को कन्वर्ट करना पड़ेगा और बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे क्लास साइज को कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिएगी, मीडियन का फॉर्मूला। बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब लेस देन में क्या होता है, ऑलवेज अपर लिमिट, और मोर देन में क्या होता है, ऑलवेज लोअर लिमिट। लेस देन में हम क्या करते जाते हैं, एड, इसमें मोर देन में हम क्या करते जाते हैं, सबट्रैक्ट। लेस देन में लास्ट जो है वो टोटल मिलेगा, ठीक है, और मोर देन में लास्ट क्या मिलेगा, लास्ट क्लास वाली वैल्यू मिल जाएगी आपको। ये बेसिक डिफरेंस है लेस देन और मोर देन का। देखो 10, 20, 30 ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट है, बस यही। लेस देन का भी इक्वल टू नहीं हो सकता बिकॉज 10 वो अपर लिमिट तो ले नहीं सकते। अगर ये समझ में आ गया तो अब हम देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। मार्क्स 0 टू 10, 5, 3, 4, 4, 3, ये सब सबका क्यूमुलेटिव 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15। अब ये रहा मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लो, ये रहा क्या है, L प्लस N बाय 2 माइनस CF बाय F। उसमें आपको CF याद रखना है, CF इज व्हाट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, ऊपर वाला क्लास, और F याद रखना है, F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। अब यहाँ पे जैसे बताया कि L इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो इसमें बताओ इसमें मीडियन क्लास कैसा होगा, तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, n बाय 2, n बाय 2, n बाय 2 मतलब 53 बाय 2, 53 बाय 2 होगा 26.5, मतलब बताओ 26.5 वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी। मैंने जैसे आगे बताया था कि देखो 15 तक जितने भी स्टूडेंट है वो सब इसको बिलोंग करेंगे, 15 से 18 सब इसको बिलोंग करेंगे, 18 से 22 मतलब 19, 20, 21, 22 सब इसको बिलोंग करेंगे, 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 तक इधर बिलोंग करेंगे, और हमारा n by 2 कितना है 26.5, तो 26 वाला बंदा किसको बिलोंग करेगा, इसको बिलोंग करेगा ना, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर है 29, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 7 उसका, और मीडियम क्लास क्या निकल गया, हमें तो मीडियम क्लास से लेना देना था, तो मीडियम क्लास क्या निकला 60 to 70। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे मीडियन क्लास निकालना है, पता चल गया, n बाय 2 करना है और n बाय 2 चेक करना है इधर किधर बिलोंग करेगा, 26.5 इन दोनों के बीच में है ना, बस हो गया, ठीक है। तो अब देखो l कितना हो गया 60, cf मतलब उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, चेक करो जल्दी ऊपर, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 22, f मतलब उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, और h मतलब कितना हो गया 10। therefore मीडियन का फॉर्मूला है l प्लस मीडियन को हम m l से डिनोट करते हैं माइनस सी एफ बाय f इंटू h, ठीक है। l कितना आया 60, n बाय 2 कितना आया 26.5, सी एफ कितना आया 22, f कितना आया 7, h कितना आया 10, 60 प्लस 26.5 इंटू 20 माइनस 22 4.5 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा 45 बाय 7। इसको सॉल्व करके आप अपने हिसाब से आंसर निकाल सकते हो, 45 बाय 7 करो उसको 60 में ऐड कर दो, आई थिंक सो आप इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए, ठीक है, डन डन बेटा, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स दिया हुआ है। अब क्लास 10th ऑफ स्कूल वॉज कंडक्टेड, अब देखो सब लेस देन में, अब हम मीडियम क्लास निकालना है तो हमें क्लास तो चाहिएगा, उसकी लोअर लिमिट तो चाहिएगी, तो ये कैसे चलेगा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे क्लास, यहाँ पे लिखेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी, और ये होगा उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो क्लास कैसे निकालेंगे, अब देखो सबसे पहले लेस देन 140, अब लेस देन 140 मतलब उस लड़की की हाइट बेचारे की 130 भी हो सकती है, 120 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, तो हमें नहीं पता कि हमारा क्लास कितना है, इसलिए हम क्या लिखेंगे बिलो 140,
बिलो 140 कितनी गर्ल्स हैं? चार गर्ल्स हैं। अब नेक्स्ट है लेस देन 145। अब लेस देन 145 मतलब, अब देखो क्लास से लेस देन में कन्वर्ट करा था तो प्लस कर रहे थे, अब लेस देन से क्लास में कन्वर्ट करा तो माइनस करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास किसका आएगा? 140 से 145 के बीच में आएगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, देख लो यहाँ पे 140 से 145। अब मैं बोलूंगा लेस देन 140 वाले खड़े रहो और लेस देन 140 वाले बैठ जाओ, तो बेचारे चार बैठ जाएंगे। अब मैं बोलूंगा लेस देन 145 वाले सारे बैठ जाओ, तो कितने बैठ जाएंगे? 11 नहीं बैठेंगे, चार तो ऑलरेडी बैठे थे, अब कितने बैठेंगे? 11 माइनस 4 7 बैठेंगे, पहले सब खड़े। मैं बोलूं लेस देन 140 वाले बैठ जाओ, तो बेचारे चार बैठ गए। अब मैं बोलूं लेस देन 145 वाले बैठ जाओ, अरे भाई तो उसमें ऑलरेडी 140 वाले तो बैठ गए थे, तो कितने बचे? 7। अब मैं बोलूं कि लेस देन 150 वाले बैठ जाओ, तो 11 तो ऑलरेडी बैठे थे, अब कौन से बैठेंगे? 145 टू 150 के ग्रुप वाले, तो कितना आएगा? 29 माइनस 11 18। अब मैं बोलूं कि 150 से 155 वाले, लेस देन 155 वाले बैठ जाओ, तो वो किसके ग्रुप को बिलोंग करेंगे? 150 टू 155 कितने आएंगे? 40 माइनस 29 11 आएगा। नेक्स्ट ग्रुप किसका आएगा? 155 टू 160 का, तो लेस देन 160 वाले बैठ गए, तो कितना आएगा? 46 माइनस 40 कितना आएंगे? 6। और ये आएंगे लेस देन 160 टू 165, तो कितने आ जाएंगे? 51 माइनस 46 आंसर आएगा 5। आप ऐड कर लो, आंसर आएंगे 51 ही। और हमें CF भी फाइंड करना है, CF फाइंड करने का तरीका आपको पता है, 4 प्लस 7 11 11 प्लस 8 29 प्लस 11 40 46 और 51 वही का वही है, देख लो। तो अब हमें मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने का तरीका क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस N बाय 2 माइनस CF बाय F इंटू H। Therefore, सबसे पहले हम N बाय 2 करेंगे, 51 बाय 2 कितना आएगा? 25.5 मतलब देखो कहाँ पे बिलोंग करेगा? 11 से 29 के बीच में, मतलब ये वाला क्लास हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास हो जाएगा। मीडियन क्लास हमारा क्या हो गया? 145 से 150। Therefore, मीडियन क्लास हमारा हो गया 145 टू 150। L कितना हो गया? 145। CF उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये 11। और F उसका खुद का, तो CF हो गया 11, F हो गया 18 और H हो गया कितना? 5 का कैप है। Therefore, M में फॉर्मूलाज में वैल्यूज ही डालनी है। 145 प्लस N बाय 2 इज 25.5 माइनस CF इज 11, F इज 18 और H इज 5। सो 145 प्लस 25.5 माइनस 11 इज 14.5 इंटू 5 डिवाइड बाई 18। अब 0.5 को हटा दोगे तो 145 प्लस 145 इंटू 5 इंटू 18 इंटू 10 इसको कट करोगे 2। तो फाइनली सब कुछ कैलकुलेशन करके 145 प्लस 145 बाई 36 और आंसर आप निकाल लोगे, ठीक है ना? उतना मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। डन। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। अब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ पे मीडियन भी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दिए हुए हैं, हमें एक्स और वाई, ये एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिए हुए है, सब पहले तो लिख लो। देखो पहले यहाँ पे क्या आएगा? क्लास आएगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी और यहाँ पे सीएफ आएगा। क्लास कितना से कितने तक है? 0 टू 100, 100 टू 200, 200 से 300, 300 टू 400, 400 टू 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 टू 800, 800 टू 900 और 900 टू 1000। बराबर है। अब देखो फ्रीक्वेंसी 2 5x 12 17, 2 5x 12 17, 20y 9 7 4 20y 9 7 और 4। अब cumulative frequency की बात करें हम, तो cumulative frequency कितनी आएगी? तो सबसे पहले तो 2 2 plus 5 7, ये हो जाएगा 7 plus x plus 12 कितना हो जाएगा? 19 plus x, ये कितना हो जाएगा?
36 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा 56 प्लस एक्स प्लस वाई, तो 56 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 9, 65 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 7, 71 प्लस एक्स प्लस वाई, लास्ट में 4 36 आना चाहिए, 2 और 5 7 और 12 19, 19 और 17 76 और ये आ जाएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई। और इसका भी आप एडिशन करोगे यहाँ पे समेशन फ्रीक्वेंसी, ये भी कितना आएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई, चेक करो दोनों सेम हो गए। अब इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो आपको क्या है मैं समझाता हूँ। आपके पास ऑलरेडी n 100 दिया हुआ है और n आपको पता है क्या होता है समेशन फ्रीक्वेंसी, बट समेशन फ्रीक्वेंसी आपका क्या निकला 76 प्लस एक्स प्लस वाई, देयरफॉर दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूँ 100 इज इक्वल टू 76 प्लस एक्स प्लस वाई, तो देयरफॉर एक्स प्लस वाई कितना निकलेगा 24, नंबर वन करके छोड़ दो क्योंकि दो अननोन है तो हमें दो वैल्यू दो ऐसे बनाने पड़ेंगे, आपने पढ़ा है चैप्टर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हो गया। दूसरी बात कि हमको मीडियन ऑलरेडी दिया हुआ है कितना है 525, तो मीडियन क्लास n बाय 2 तो चाहिएगा ही, n कितना है 100 बाय 2 तो कितना आएगा 50, तो अब मुझे बताओ मीडियन क्लास क्या होगा। अब देखो आप 50 ढूंढ के मत करना, मीडियन 525 है तो 525 किसके बीच में रहेगा 500 टू 600 के बीच में रहेगा ना, तो फिर इसको देखने की जरूरत ही क्या, सीधा आप मीडियन क्लास क्या बता सकते हो 500 टू 600, बाजू में रीजन लिख लेना बिकॉज m इज इक्वल टू 525 गिवन है, आपकी मिस्टेक ना हो इसलिए, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर इसके ऊपर वाली कितनी होगी 36 प्लस x, f उसकी खुद की कितनी है 20 है और h कितना है 100। अब देखो आपको पता है m का फॉर्मूला l प्लस n बाय 2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच, सी एफ बाय एम कितना दिया हुआ 525, एल कितना दिया हुआ 500, हाँ एल तो निकालना भूल गए, एल 500 लोअर लिमिट, हाँ एन बाय टू कितना निकला 50। अब दूसरी जो गलती यहाँ पे बच्चे करते हैं कि माइनस सी एफ है, ठीक है माइनस सी एफ है, अब सी एफ 36 प्लस एक्स है, अब उसके आगे माइनस है, तो 36 भी माइनस होगा और एक्स भी माइनस होगा, बच्चे यहाँ पे प्लस लिख के आएंगे तो आंसर गया, कब भी कितना भी ट्राई कर लो आंसर नहीं आएगा। एफ कितना है 20, एच कितना है 100, अब देखो 20 और 100 5 कट हो जाएंगे, ये प्लस है तो इसके साथ ये कट नहीं हो सकता, याद रखिएगा 500 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना आएगा आंसर 25, यहाँ पे क्या बचेगा तो 50 माइनस 36 मतलब 14 और माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा 5, ये 5 और 25 कट होके क्या बचेगा 5, तो therefore 5 is equal to 14 minus x, minus x को इस साइड लेके आओ, 5 को दूसरी साइड लेके जाओ, x is equal to 9, तो from 1 क्या आपका x plus y is equal to 24, तो 9 plus y is equal to 24, तो y की वैल्यू 15, दोनों निकल गए, कितना सिंपल, डन, समझ में आया। एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चन है, आज हम 2 क्वेश्चन करेंगे बाकी हम बाद में करेंगे, ठीक है पक्का, पहले ये लिख लीजिए x और y आपको फाइंड हो गया ना, चलो जल्दी से लिख लीजिए बेटा, ओके स्टूडेंट्स लिख लिया, ठीक है। अब एक फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ इस पे MCQs भर भर के आएंगे, भर भर के, इसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, मीन मीडियन और मोड का रिलेशन। आपको पता है कि देखो 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, मीडियन को m डिनोट करते हैं, मोड को हम z डिनोट करते हैं और 2x बार, ये रहा उसका फॉर्मूला। बहुत बार क्वेश्चन में क्या होगा कि मीडियन दिया रहेगा और मीन दिया रहेगा तो मोड फाइंड कर सकते हो, इससे बहुत बार होगा मोड और मीन दिया होगा तो मीडियन फाइंड कर सकते हो, तो इसमें से मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला, तो ये 3 नीचे चला जाएगा z प्लस 2x बार होल डिवाइड बाय 3, अगर इसमें से आपको z फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा 3m माइनस 2x बार, और इसमें से आपको मीन फाइंड करना है तो x बार इज इक्वल टू क्या होगा 3 मीडियन माइनस z डिवाइड बाय 2,
पहला, दूसरा और तीसरा, ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज आप याद रख लो, तो आपकी दो कोई भी वैल्यू हो तो तीसरी ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ, डन, ओके। सो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ये, ओके, वेरी गुड। देयर आर टोटल 68 कंज्यूमर्स इन द लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। सो मीडियन मैं फाइंड कराऊंगा आपको, मोड एंड मीन आपको होमवर्क में। कंपेयर करना मतलब आंसर सबका क्या रहा है वो। आप सोचोगे सर हम उसको वो एम्पिरिकल मेथड से कर, ना लिखा हुआ एम्पिरिकल मेथड यूज करके तो नहीं करना है, लिखा हुआ हो कि भाई एम्पिरिकल मेथड यूज करना है तो ही, वरना नहीं। समझ रहे हो, मंथली कंजप्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी इतना यूज करते हैं और ये उतने कंज्यूमर्स हैं। कहां से स्टार्ट हो रहा है 65 से और कहां पे खत्म हो रहा है 205। ये है आपका मंथली कंजप्शन 65 to 85, 85 to 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205। ठीक है, ये हो गया उसका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है देख लो, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, सबको ऐड करो, 68 आना चाहिए कंपलसरी, जो कि हमें इसकी कोई जरूर नहीं है, बिकॉज हमें जरूर किसकी है, सीएफ की। सीएफ मतलब 4 + 9 + 13 = 22 + 20 = 42 + 48 + 64 + 468। तो हमारा मीडियन क्लास क्या निकलेगा? अब देखो 34 कहाँ पे लाए कर रहा है, जल्दी से बताओ 34 कहाँ पे लाए कर रहा है। तो 22 तक सब ये, 22 से 42 के बीच में जितने भी होंगे उनके लिए ये क्लास, तो ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। ओके, आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, ये आपका हो गया मीडियन क्लास। क्या है मीडियन क्लास बताओ जल्दी से, 125 से 145। तो उसके बेस पे आपका एल क्या निकलेगा, 125। CF क्या निकलेगा उसके ऊपर का, 22। F क्या निकलेगा उसका खुद का, 20। और H क्या निकलेगा, 20। हाँ, 20-20 का गैप है। So therefore mode का आप सीधा फॉर्म में डाल सकते हो, L plus N by 2 minus CF by F into H। So L कितना है, 125 plus N by 2 कितना आया, 34 minus CF कितना आया, 22। F कितना आया, 20। और H भी है 20। ये दोनों को करोगे आंसर, 125 प्लस 34 माइनस 22 इज 12। तो एम की वैल्यू कितनी आई, 137। यस, सब सही है, एम की वैल्यू आई 137। और लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखनी है, कितना क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको पहले ये देखो सीएफ फाइंड करना है। सीएफ फाइंड हो जाने के बाद आपको एन बाय टू, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या है, उसके बाद मीडियम क्लास, उसके बाद सारी चीजें, समझे? ठीक है, और ये उसका आंसर निकला, डन। पॉज द वीडियो, चलो और जल्दी से लिख लो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये तो अपना मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है। देखो मीडियम गिवन है 28.5 एक्स और वाई। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कितना से कितना दिया हुआ है, 0 से 60, 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। फिर उसके बाजू में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, उसके बाजू में हम कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी फाइव एक्स 2015 y5, 5x 2015 y और 5 5x 2015, सही। और अब लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो 5 5 + x 25 + x 40 + x 40 + x + y और 45 + x + y। और यहाँ पे भी आप समेशन फ्रीक्वेंसी करोगे तो वही आएगा 45 + x + y। बट आप क्वेश्चन में देखोगे तो टोटल 60 दिया हुआ है, ठीक है, बट
summation frequency is equal to 60. So therefore 60 is equal to क्या लिख सकते हैं 45 plus x plus y. So x plus y कितना आ जाएगा 15. नंबर वन करके छोड़ दो. अब x plus y 15 हो गया. उसके बाद मीडियन दिया हुआ है देखो 28.5. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोल रहा है 28.5 है. तो उसके हिसाब से हमारा मीडियन क्लास क्या होगा, तो 20 और 30 के बीच में ही मीडियन लाई करेगा ना, तभी तो 28.5 आया. हमें और कुछ देखना ही नहीं है, हमें और कुछ नहीं देखना है. तो उसके बेस पे हमारा मीडियन क्लास क्या आया 22-30. कितना आ जाएगा 22-30. तो उसके हिसाब से L आ गया 20 बराबर है. CF उसके ऊपर कितना आ जाएगा 5 प्लस X. F उसके खुद का 20 और H क्लास साइज कितना 10. ये चीज हमें फाइंड करनी होती है. फिर तो हम सीधा मीडियन का फॉर्मूला डाल सकते हैं. मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L प्लस N बाय 2 माइनस CF बाय F इनटू H. मीडियन है 28.5, L आपका है 20 प्लस यस 20 है ना. हाँ N बाय 2 कितना, हाँ N बाय 2 करना तो भूल गए. N बाय 2 मतलब 60 बाय 2 इज इक्वल टू 30. सिंस यहाँ पे मीडियन गिवन था इसलिए वो भूल गए. अच्छा N बाय 2 कितना है 30 हो गया. माइनस सी एफ क्या है 5 प्लस एक्स, मतलब आगे माइनस है इसलिए माइनस 5 माइनस एक्स. एफ उसका खुद का कितना है, एफ उसका 20 है, एफ उसका 20 है और एच कितना है 10. ये 0 और ये 0 तो कैंसिल हो गया. 20 सेट जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा 8.5. 30 माइनस 5 इज 25 माइनस एक्स अपॉन 2. मल्टीप्लाई कर दो 8.5 2 जा कितना हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स. तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस 17 8. So from 1 और क्या था, x plus y is equal to 15. x plus y is equal to 15. So 8 plus y is equal to 15. Therefore y की वैल्यू कितनी आ गई 7. कुछ भी है इसमें, आप जितना और प्रैक्टिस करोगे आपसे होंगे क्वेश्चंस. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार देख के तो करो, फिर बिना देखे भी ट्राई करो प्लीज. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है. तो आज का लेक्चर हम यहीं पे छोड़ते हैं. कल हमारा मैथ बिल्कुल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम साइंस उठाएंगे दौड़ 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 दबा दब. ओके टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा.